किसान साथियों राम राम। यहाँ पर तो किसान साथियों अच्छे लोगों का बोलबाला कम है और जो शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बोलबाला ज़्यादा है और उनकी ज़्यादा चलती है। इसलिए किसान साथियों नमस्कार, मैं हूँ रामगोपाल ढक्कड़, आपका बहुत बहुत जागो किसान यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों आज 12 दिसंबर 2022 है और आज रतलाम कृषि उपज मंडी में किसान साथियों अभी मैं पहुंच गया हूं। और सबसे पहले तो बता दूं किसान साथियों कि रतलाम कृषि उपज मंडी से जो ट्रैक्टर चोरी हुआ था किसान साथियों बुराजी जाट किसान साथियों भगवान वाले का, वो ट्रैक्टर किसान साथियों मिल गया है। और इसलिए किसान साथियों पुलिस प्रशासन भी बधाई के पात्र हैं, इसलिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई और ट्रैक्टर को ढूंढ निकाला। ऐसे चोरों को कम से कम 7-8 लोग इसमें शामिल थे, उन सभी को पकड़ लिया गया है और अभी इसकी पूरी छानबीन चालू है। जो पकड़ाए लोग हैं उनकी वो अभी रिमांड पर है और भी उनकी तहकीकात पूरी चल रही है कि कैसे उन इस काम को उन्होंने अंजाम दिया है। तो किसान और जहां तक बात है किसान साथियों भाव वाले वीडियो बनाने की, तो इसमें तो मेरा इतना ही कहना है किसान साथियों कि रतलाम कृषि उपज मंडी में या अन्य कृषि उपज मंडी में और इस धरती पर किसान साथियों अच्छे लोगों का बोलबाला कम है और जो शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका बोलबाला ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा चलती है। अगर उस आपको मैं शुक्रवार का जो गया शुक्रवार है उसका एक वाक्य सुना दूँ कि एक किसान ट्राली के ऊपर चढ़ के ये बोलने लगा कि मेरा प्याज के अंदर से, मेरे प्याज के अंदर से भले आप 10 कट्टा भार कर देना, मैं घर पर ले जाऊँगा और अगर आपके पेमेंट की व्यवस्था ना हो तो भी मुझे भले एक महीने बाद पेमेंट देना। तो ऐसे लोग बढ़ चढ़ कर उस और पूरा अनाउंस कर रहे हैं सबके सामने, तो अब क्या कहें ऐसे लोगों के। तो मैं तो चाहता हूं कि रतलाम कृषि उपज मंडी में एक अच्छी आदर्श व्यवस्था बनी रहे सभी को किसान साथियों, सभी जिसमें किसानों को भी कोई परेशानी ना हो और व्यापारी को भी कोई परेशानी ना हो और हमालों को भी कोई परेशानी ना हो, यहाँ रतलाम कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों को भी कोई परेशानी ना हो, ऐसी एक आदर्श व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। नहीं तो किसानों का शोषण करके उसके किसान जब अपनी उपज लेके आता है और उसमें ग्रेडिंग के नाम पे और छटनी के नाम पे, जैसे प्याज में छटनी करते हैं उसके नाम पे किसानों का जो शोषण कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सरासर गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ऐसे और किसान साथियों ऐसी जो मंडियों में अनियमितता फैलती है और किसानों के साथ जो शोषण होता है, ऐसी व्यवस्था कब होती है जब किसान साथियों शैतानी प्रवृत्ति के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जो किसान साथियों देवतुल्य लोग हैं उनमें बिखराव हो जाता है, तब जाके ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। और शुक्रवार के दिन जो घटना घटी वो बड़ी हैरान करने वाली घटना थी। अपने हितों की रक्षा के लिए किसान साथियों आवाज उठाते रहिएगा। आप किसान साथियों जो शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी न चलने देना किसान साथियों, अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाते रहना। तो किसान साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।